अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया ने देखी। दुनिया भर के हिंदू भी सदियों तक इस पल को नहीं भूल पाएंगे। श्री राम जी जो अपने राजपाट को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे, जो पुरुषोत्तम है, जो धर्म है, जो सत्य है, उनका आगमन अयोध्या में हुआ है। प्रभु श्री राम के आगमन से पूरी दुनिया राम में हो चुकी है। ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई देशों में प्रभु श्री राम की शोभा यात्राएं निकाली गई, कुछ घंटों का अवकाश भी घोषित किया गया। लेकिन इसी बीच एक और जबरदस्त वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर मन भावुक भी है और प्रसन्न भी है, क्योंकि जो श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं वो सबके हैं। इसलिए LOC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक तरफ भारतीय सैनिक है और दूसरी तरफ चीनी सैनिक है। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के सैनिक ऐसे नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक बिल्कुल पास पास खड़े हैं। पहले भारतीय सैनिक चीनी सैनिक को कुछ समझाते दिखे और फिर कुछ ही देर में ये देखने को मिला। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को जय श्री राम के नारे सिखा रहे हैं और चीनी सैनिक भी खुशी खुशी से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने की टाइमिंग भी जबरदस्त है। अभी वीडियो कितना पुराना है इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन चीनी सैनिकों का जय श्री राम बोलना हमारे लिए इतना ही काफी है। ये वीडियो हाल ही का होगा, ऐसी संभावना बिल्कुल ही कम है, क्योंकि भारत और चीन का LOC में विवाद हुआ था, उसके बाद से ही दोनों तरफ की सेनाएं शक्ति अपना रही हैं। लेकिन आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ना लिखना भूलना। जय श्री राम।